हाँ चलो अभी थोड़ा सीरियस मैटर है, तो प्लीज मजाक नहीं, अभी मेरे डन पीछे डन, आओ। मैं लग रहा हूँ क्या गेस्ट जैसा लग रहा हूँ क्या ऐसे, मतलब मुंह से फाड़ चाड़ नहीं। तो भाइयों वेलकम बैक हो गया एक और बार आपका ब्रांड न्यू वीडियो में हीरो ब्रांड एसएमपी की। और आज जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। आज की वीडियो में लिटरली हमें उज्जवल भाई कुछ खतरनाक सीक्रेट बताने वाले हैं अपने बारे में, और हमें बनाना है एक खतरनाक आर्मर जिससे हम लोग लाइक थोड़ा यार हम लोग समझ रहे हो हम लोग सबसे लाइक अभी वीक है, क्योंकि हम लोग सबसे लेटेस्ट ज्वाइन करे तो हम लोग बहुत ज्यादा वीक है। हमने घर पर बना लिया बट हम लोगों ने सोचा नहीं कि हम लोग दूसरों से लड़ेंगे कैसे, और खास करके अभी जब इलेक्शन आने वाले हैं तो भाई बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो सकती है, तो हम लोगों को लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो चलो गाइज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं खतरनाक आर्मर अपने लिए, और मैं दिखाता हूँ प्लान क्या है मेरा। लेकिन उससे पहले गाइज आज की लाइक गोल रखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो का, 30K लाइक्स 30,000 लाइक्स के लिए जा रहे हैं। अगर आपने लाइक नहीं कराया तो प्लीज लाइक कर दो, और अगर आपने हो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एट द सेम 200K के बहुत क्लोज आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और तुम्हें ये चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस हीरो ब्रांड एसएमपी में। कौन खेल रहा है अभी यार? स्मार्टी पाई भाई, इसका मतलब कि ये भी ग्राइंड कर रहे हैं भाई, तो हमें इनसे भी बच के रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी अपने लिए कुछ खतरनाक आर्मर तैयार कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों एक बार ये चीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं काफी टाइम से ग्राइंड कर रहा हूं, एज यू कैन सी भाई मेरे पास एक स्टैक एमरल्ड और 10 और पड़े हैं, और यहां पर देखो भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा ग्राइंड कर रहा हूं। मेरे पास कम से कम नहीं तो 5 स्टैक एमरल्ड के आ चुके हैं, 7 एमरल्ड और पड़े हैं। लेकिन अब आएगी घड़ी यार। पता है सबसे पहली चीज तो पता नहीं कौन कर रहा है, बट यार जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोल दिया था, कोई तो हीरो ब्रांड एसएमपी में मिसचीफ्स कर रहा है, मतलब समझ रहे हो भाई। सामान इधर से उधर हो रहा है, विलेजर गायब हो जा रहे हैं। मैंने लिटरली भाई लास्ट स्ट्रीम पे एक विलेजर बनाया था, अगर तुम्हें याद होगा मैंने एक्सपर्ट विलेजर बनाया था ऑन आर्मरर, ताकि मुझे एक मस्त वाला आर्मर मिल जाए। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि इन द एंड ऑफ द डे वो आर्मरर गायब हो गया जब मैं अगले दिन आया। मेरे को लगा कि ठीक है आज एमरल्ड ग्राइंड करते हैं और उसके बाद वो आर्मर से सामान लेंगे, पर वो आर्मरर ही गायब हो चुका है। तो हम लोगों को वो चीजें भी देखनी है, और जिस दिन इलेक्शन हो हम लोग लड़ाई में एकदम आ गए, मतलब समझ रहे हो ना। लड़ाई पता नहीं यार मेरे को लग रहा है कि यार पहली बार जब कोई चीज़ होती है ना तो वो इतना इजीली ऐसे हो नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ था कितने कितने सारे वर्ल्ड्स में हमने खेला हुआ है, तो कभी भी कोई भी चीज़ इतना स्मूथली जाती नहीं है। आई होप जाए, बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट राइट। अपना भाई एकदम अगर अगर कुछ गलत जाता था ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हलवा सबसे पहले बन रहा है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम लोग आज वही चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं जरा ये थोड़ा सा उगा दूँ। ओके तो दोस्तों मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ, शायद से ये तुम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो मेरी देखी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बनाया पूरा का पूरा। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले नीचे जाते हैं एक बारी, और यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे। देखो ये है मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट शुगर केन फार्म। मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही लाइक सारा का सारा शुगर केन में ले गया था, बट यस भाई ये मैंने इतना बड़ा बनाया ताकि यहाँ पर से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन मिल सके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बना के ट्रेडिंग कर सकूँ, नहीं तो एटलीस्ट बुक्स बना सकूँ, ताकि मेरा एक मस्त वाला एन्चांटमेंट टेबल बन सके और मुझे किसी के वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्स लेवल वाला ईशान भाई के पास है, जो कि आपको पता है वन स्पॉट भाई, तो उनके पास है सिर्फ और सिर्फ मैक्स वाला। तो मेरे को यार अपने लिए खुद के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरे को भी पक्का नहीं है यार, मेरा दिमाग जो है ना वो पूरी तरीके से ऐसे मान नहीं रहा है कि अज्जू भाई को वोट देते हैं, तो पता नहीं। तो मैंने बोला है उज्जवल भाई से कि उज्जवल भाई अपना क्या कहते हैं, अगर आप अपनी साइड की स्टोरी सुनाना चाहते हो तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मैंने उनसे बोला था कि भाई आप क्या करोगे अगर आपको लीडर बना, क्योंकि देखो मेरे को नहीं लगता कि और कोई अभी बन, क्योंकि देखो सीधी बात है कि दो जने जिनने स्टार्ट किया था लाइक जिनने सबसे पहली स्ट्रीम करी थी हीरो ब्राइन एसएमपी की, मेरे ख्याल से उनसे बेटर कोई हो नहीं सकता जिनको सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड के बारे में पता हो। तो देखते हैं कैसे जाता है सब कुछ। तो दोस्तों हम लोग ने जितना भी शुगर केन लेन था ले लिया यार। यार भिक्षु भाई का भी थोड़ा बहुत शुगर केन ले लेते हैं यार, इसको चोरी नहीं कहते, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल एफर्ट, ठीक है। अभी भिक्षु भाई है नहीं, अब उनकी शुगर केन पूरी सड़ जाएगी, तो किसी को तो चार्ज लेना पड़ेगा ना भाई। मैं तो एक तो अच्छा आदमी भाई, मेरे किसी की फसल सड़ती भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनकी फसल को काट दे रहा हूँ। तुम ये मत सोचो कि इसमें मेरा कोई फायदा है, बिल्कुल निस्वार्थ हो रहा है काम यहाँ पर। ओके तो दोस्तों चलो यहां से भी बढ़ते हैं आपको। व्हाट ओ भाई, चपाती भाई का घर किसी ने आग लगा दी है। व्हाट शिट भाई, ये घर मैंने आज सुबह सुबह देखा है कि ये घर ठीक था। ओ नो, ओ भाई चपाती भाई के एकदम नए घर पे इनने आग लगा दी किसी ने भाई। शिट, बुझाओ इसको भाई, मदद करो। नहीं ओ भाई,
शिट ओह नो भाई कैसे बचाया जाए कैसे बचा जाए। यहाँ पे पानी डालता हूँ थोड़ा फैलेगा। नहीं यार कुछ भी काम नहीं करेगा ऐसे तो। भाई एंड्रू भी आ गया मदद कर मेरी जल्दी जल्दी आ ब्रो। भाई मैंने ऊपर की आग तो काफी हद तक बुझा दी है लेकिन नीचे अभी भी आग जल रही है शायद से। भाई फ्लीट भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर। भाई मैंने नहीं लगाई है आग यार इसको लग रहा है मैंने लगाई है आग। रुको इस वाले को तोड़ देते हैं ताकि कहीं पे भी ना जाए। भाई भाई मैंने नहीं लगाई है एंड्रू मैं बुझाने की कोशिश कर रहा था ब्रो। नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अरे एंड्रू मैंने नहीं लगाई है भाई मैं तेरी कसम खा रहा हूँ भाई। अरे मेरे भाई मेरी बात मान मुझ पे भरोसा कर। नहीं ये किसने किया अब जंग होगी जंग। भाई जंग क्या होगी मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं जंग का ऐलान कर। अरे एंड्रू तेरी कसम भाई मैंने बुझाई है यार लगाने की जगह स्क्रीनशॉट लिया। ओह ये भाई तूने स्क्रीनशॉट लिया। भाई मैं बुझाने की कोशिश करी है इस घर को बचाने की कोशिश करी है भाई। भाई चोर चोरी करने भाई तू ये सुन एंड्रू सुन एंड्रू सुन मेरे भरोसा कर सुन सुन तू एक बात बता। एक आदमी जो किसी के घर पे आग लगा के चुपचाप साइड से निकल सकता है। आदमी नहीं जालिम भाई कोई जालिम जिसने किसी के घर पे आग लगाई हो सोच और वो बंदा उसके बाद भाई तू सुन तो ले मेरी बात। वो तो मैंने आके देख लिया नहीं तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ मैं बुझाऊंगा क्यों अगर मैंने आग लगाई होगी तो मैं जलने दूंगा ना ब्रो। अरे मैं आ गया ना इसलिए बुझा दिया आपने। अरे तो तेरे से पहले भाई एंड्रू मेरी बात मान भाई। जैसे आपने एक जलाया ना वैसे वैसे ही क्या वैसे ही क्या वैसे ही थोड़ा और कर देते हैं। अरे नहीं भाई मैंने कुछ नहीं करा है भाई। पहली बात तो मेरा नाम मत लगा तू कि तूने जलाया। भाई मैंने नहीं जलाया मैं तेरी कसम खा रहा हूँ भाई। भाई मैं बचाने की कोशिश कर रहा था उस घर को। नहीं 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 मैं देखा है आपको जलाते हुए। अरे काम करते ना देखो एक और घर चलाना है। भाई तुझे घर जलाना है तू जलाना भाई। मैंने तो मेरे को मत घसीट इन सब चीजों। मैंने आज तक घर नहीं जलाया कोई। जालिम का साथ नहीं देगा कौन देगा। भाई ओए मैंने एक भी घर नहीं जलाया आज तक अपनी हिस्ट्री में। भाई मत कर ऐसा। तो दोस्तों बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यार। मुझे नहीं पता मैं अपना नाम कैसे क्लियर करूंगा बट करना तो पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले जो हम लोग करने वाले क्योंकि देखो अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जो हम कर रहे थे वो करते हैं सबसे पहले। और एंड्रू बी को हमको कैसे समझाना है कि भाई मैंने वो घर बचाया है ना कि जलाया। यार मैं कैसे समझाऊं यार। ईशान भाई कैन आई यूज योर एन्चेंटमेंट टेबल प्लीज क्वेश्चन मार्क। ठीक है देखते हैं अगर ईशान भाई हम अपनी एन्चेंटमेंट टेबल यूज करें तो बेस्ट वरना हमें खुद से एक एन्चेंटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो गाइज यार ईशान भाई तो अभी तक रिप्लाई नहीं करे तो मेरे ख्याल से रुको एक बार देख लेते हैं। ईशान भाई के पुराने वाले पे हम लोग चले जाते हैं उनसे बाद में कर लेंगे हम लोग बात की क्या कहते हैं भाई मैंने आपका यूज कर। ये क्या हुआ कल आना। अरे एक मिनट रुको मैं वीसी में देखता हूँ। हेलो ईशान भाई हेलो भाई ईशान भाई तो है ही नहीं है। उसको वहाँ से मूव कर दिया काफी लोग को पता है। ओके तो आप आ तो सकते हो डेफिनेटली क्योंकि आप हमारे साइड से हो अब तक जितना मुझे पता है। ओके हाँ तो इसलिए मैं आपको लोकेशन बोल दूंगा लेकिन किसी को दिखाना मत छुपके से आना। ओके ठीक है मतलब पता नहीं चलना चाहिए किसी को नहीं पता चलना चाहिए ना हीरो ब्रांड एसएमपी में कि कहाँ है आपका वो। हाँ हाँ बस आप सीधा लोकेशन पे आ जाओ। ओके अरे ईशान भाई यार भाई ये कैसी जगह पे बना रखा है आपने। भाई कहाँ पर है आपका सीक्रेट एरिया किधर है। हम लोग घर से दूर है जैसे आप पता है ना पॉजिटिव साइड में काफी आए थे। यहाँ पे बच्चे ओके देखो यहाँ पे देखो नीचे आप मुझे बंद तो नहीं कर रहे ना यहाँ ईशान भाई। हमारे साइड से तो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं ईशान भाई के सीक्रेट लेयर में और हम लोगों ने काफी सारा देख रहे हो ये देख रहे हो भाई एक्स में मिल चुकी है एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 और वहीं पे डायमंड पिकैक्स में मिल गई एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 भाई कूल एकदम। पर अब एक चीज करते हैं पहले अपने इसमें फॉर्चून 3 लगाते हैं। भाई साहब अब देखो तुम लोग जो मेरा एक प्लान है वो काम करेगा यहाँ पे फॉर्चून 3 के साथ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी जो हमारा वहाँ पे आर्मरर है ना हमको उसको मैक्स करना है
तो हम लोग कोल्स को खरीदेंगे फॉर्च्यून 300 और इतना सारा कोल निकलेगा, हम लोग आराम से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी महंगी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन 6 एमराल्ड में वो हमको एक नॉर्मल आयरन का आर्मर दे रहे हैं। तो मेरे को आज कैसे भी अपने लिए आर्मर बनाना ही बनाना है, तो देखो डायमंड लेके आऊँगा फिर उसमें एन्चेंटमेंट लगाऊंगा तो फायदा नहीं है इतना ज़्यादा, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग एक आर्मर बनाए जिसको हम लोग मैक्स करें और उससे फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं, मेरे पास इतने सारे एमराल्ड पड़े हुए हम उस एमराल्ड से उनसे एक्सचेंज करके आर्मर ही आर्मर ले सकते हैं। तो बेफालतू का हम लोग लाइक, क्योंकि डायमंड ढूंढने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हमारा जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसे किया जाए, ठीक है। बाकी उनको मैक्सअप करने के लिए हमको थोड़ा सा उनसे कोल ट्रेड करने पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में तो बहुत अच्छी अच्छी डील्स देते हैं, जैसे कि एक एमराल्ड में कोई आर्मर का पीस देते हैं फिर हम उनसे मैक्स करके वो खरीद सकते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत वो करा, क्या कहते हैं, स्मूथ स्टोन बनाया और अब हमारे पास सारा सामान आ चुका है एक ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए। तो एक चीज़ करते, देखो ये ब्लास्ट फर्नेस बनाया, इस ब्लास्ट फर्नेस को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को उस साइड लगाना चाहिए, राइट, रुको एक सेकंड देना, हम लोग इसके बगल में लगाते हैं ताकि ये ले ले जाओ, ठीक है। यस बेस्ट, ठीक है। तो देखो ये वाला भी हम लोगों को एमराल्ड देगा फॉर आर ट्रेड्स। अब देखो इससे हम लोग जितने ट्रेड्स ले सकते होते सारे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नोवाइस से ऊपर आएगा, ठीक है, जर्नी मैन बनेगा, इसको भी हम लोग करते हैं, इससे भी हम लोग जितने ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं सारा का सारा इसको भी देते हैं हम लोग अपना कोल। तो गाइज ये देखो, ये होगी ना बेस्ट बात। अब देखो अब हमें कोल ट्रेड करने की जरूरत नहीं, अब हमें एक एमराल्ड में इतने सारे जूते दे रहा है, इवन दो वी डोंट वांट देम। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जूतों को फेंक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन चेन मेल के बूट्स इतने अच्छे नहीं होते, हम लोग उनको स्मेल्ट करके नगेट्स भी बना सकते हैं, बट द थिंग इज कि इनको एक एक करके डालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हैसल वाली चीज़ है, तो इसलिए मैं करता नहीं हूँ। देखो इससे भी हम लोगों ने सेम चीज़ करी और सारे के सारे बूट्स यहाँ पर भी हम लोग फेंक देंगे और बाकी का हम लोग सामान सारा का सारा ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद खुद ही डिस्पॉन होंगे, तो हम लोगों को इनसे ऐसे ही करके इनका लेवल बढ़ाना है और लास्ट चीज़ इन लोगों से निकलवानी है, तो हम लोग सेम चीज़ करते रहेंगे, ठीक है, जब तक का इनके लेवल एकदम मैक्स नहीं हो जाते। ओके तो गाइज लेट्स गो भाई, हम लोगों को देखो ये अनब्रेकिंग 2 वाली पैंट्स और शूज़ दे रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले इससे एक शूज़ और एक पैंट खरीद लेंगे। वैसे तो हम लोग एक और ले सकते हैं, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा, भाई मैंने जितना ज़्यादा इसमें ट्रेड किया ना कल रात भर में सिर्फ और सिर्फ शुगर केन का पेपर बना के ट्रेड करो, नहीं तो वीट ट्रेड करो, नहीं तो भाई वो कैरेट फार्म में अपना कैरेट ट्रेड करो, भाई मैं पागल हो चुका था। ओके तो दोस्तों फाइनली अब तुम लोग अगर देखोगे तो हम लोगों ने भाई आर्मर कर लिया रेडी, मतलब ये आर्मर फुली रेडी नहीं है क्योंकि इसमें थॉर्न्स नहीं है कुछ नहीं है, बट ये अभी के लिए रेडी है। मैं लिटरली 4 से 5 घंटे हो चुके हैं मेरे को ये ग्राइंड करते हुए लिटरली। तुम लोग ये देखो यार, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एमराल्ड जैसा भाई इतना ग्राइंड किया, इतना लेवल ग्राइंड किया, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई अच्छा सा वो नहीं है, एक्सपी फार्म नहीं, जैसे हमारा एंडरमैन एक्सपी फार्म था वैसा भी कुछ गजब का है नहीं यहाँ पर जो कि हम बनाने वाले हैं पर, तो इसलिए अभी के लिए मैंने जितना ग्राइंड किया। देखो मेरे पास हेलमेट है जिसमें प्रोटेक्शन 4 है, अनब्रेकिंग 3 और रेस्पिरेशन 2 है, अनब्रेकिंग 3 प्रॉट 4 हमारे चेस्ट में और हमारी लेगिंग्स में, अनब्रेकिंग 2 प्रॉट 4 और फेदर फॉलिंग 3 और प्रॉट 4 हमारे बूट्स में, तो अभी के लिए बन गए, बट नेदर राइट का नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ, ईशान भाई एंड्रू बी के प्लॉट पे, दया थोड़ी सी और ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर विलेजर्स से, ठीक है, और उसके बाद अपने पास जहाँ तक है प्लॉट 2 लेने का हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक्चुअली हमारे सारे आर्मर में प्लॉट 4 हो गई है तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस अब एंड्रू बी को पेलना बाकी। ओह भाई ज्वाइन द गेम, ठीक है भाई, कुछ तो होने वाला है, मतलब फिर से कांड। हेलो उज्जवल भाई हेलो, थोड़ा सीरियस मैटर है, एक बारी पहले मेरे पास, मैं आपके घर के बाहर। अच्छा ठीक है हाँ दिखे आप दिखे, हाँ चलो अभी थोड़ा सीरियस मैटर है तो प्लीज़ मजाक नहीं, अभी मेरे पीछे आओ। तो मैंने देखा कि अज्जू भाई ना आपको शायद ना थोड़ा सा मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ, बट जो उन्होंने बताया है कि विलेजर आपने गायब कर दिया मुझे लग रहा था, तो यानी कि अभी आप भड़क चुके हो, ठीक है। अब बट थोड़ी देर बस मेरी सुनो कि आखिर एक्चुअली सीन हुआ क्या था यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने विलेजर्स थे ना वो सारे अच्छे विलेजर्स से बात मुझे पता है, और वो सारे ईशान भाई और अज्जू भाई मिलके लाए थे, तो मैं बस इतना करने आया था कि जो बीच में इतने सारे बेड पड़े थे ना मैंने वो सारे बेड तोड़े और सारे बेड एकदम सही से लगाए। हाँ, सारे तो क्राफ्टिंग टेबल तो मैंने भी देखा था, याद है मेरे को। हाँ तो मैंने यहाँ पर ढेर सारी लैंटर्न लगाई ताकि और भी लाइब्रेरियन आ जाए, और विलेजर्स को उस दिन मैंने खाना भी दिया, मैं नॉर्मली कभी नहीं देता था, बट मैंने उस दिन मैंने सोचा कि विलेजर बढ़ाते हैं और इस जगह को विलेजर होल को अच्छा बनाएंगे। पर उतनी देर में अज्जू भाई आए और अज्जू भाई ने 3-4 विलेजर्स को मार के रस्ते तोड़ दिए और विलेजर भाग गए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं कि विलेजर्स को ना नीचे लेकर चलते हैं, और जब मैं अकेले ये काम कर रहा था तो एंड्रयू बी ने मुझे देख लिया,
तो फिर मुझे वो मेरा प्लान फेल कर सकता था कि मैं ये कोई प्लान नहीं था, मैं एक टाइप से जॉब करना चाह रहा था ये कि मैं विलेजर सिक्योर कर रहे थे, मैं सिक्योर भी कर रहा था और एक जॉब भी मैं सोच रहा था ऐसे करेंगे कि आप लोग को जो भी सामान चाहिए होगा मैं वो आपको विलेजर से खरीद के ला के दूंगा और उसके बीच में मैं कुछ एमरल्ड्स की कमीशन लूंगा क्योंकि मैं विलेजर्स का ध्यान रख रहा हूँ, उनकी पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ और सामान मैं आपको हैंड टू हैंड ला के डिलीवर कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ चाहिए बस मेरे को उसके बदले एक से दो एमरल्ड ज़्यादा देने हैं। तो मैं बस एक जॉब करना चाह रहा था अपनी पर्सनल। उतनी देर में एंड्रियो ने देखा, फिर मैं नीचे गया, फिर ऐसे अज्जू भाई भी आ गए तुरंत और वहीं पर सारा काम खराब हो गया। पर अज्जू भाई को मैंने ऐसे बोला कि ये एक प्लान है, मेरे मुंह से उस टाइम प्लान निकल गया बट ये एक टाइप से जॉब थी, और उस टाइम पर मेरे को लग रहा है अज्जू भाई आपको प्रॉपर भड़का रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इस टाइम पर। सिर्फ मुझे नहीं भाई, फुल इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं भाई। वही तो वो इलेक्शन में सिर्फ दो ही बंदे खड़े होने वाले हैं, मतलब क्योंकि सीधी सी बात है ये प्रॉपर इलेक्शन नहीं होगा ना क्योंकि अभी तक हमारा बना नहीं है पूरा प्रॉपर सब कुछ। बट लेकिन हाँ खड़े हो रहे हैं वो ठीक है। अब देखो जैसे अज्जू भाई पता है हमारे एसएमपी के लिए उन्होंने आयरन फार्म बनाया ये करा, बट मैं भी कुछ करने की सोच रहा था बट यहाँ पर एकदम अलग ही तरीके से उसे दिखाया गया है। एक टाइप से जॉब थी, आपको जो चीज चाहिए आप जैसे बोलोगे कि हाँ मुझे प्रोटेक्शन 4 लाओ तो मैं आपसे मान लो ऐसे 30 एमरल्ड लेता और मैं विलेजर से 28 की खरीद के आपको दे देता, इसमें क्या बुराई है? मैंने विलेजर को अपग्रेड करा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये एक इस टाइप की जॉब थी, बस मेरे मुंह से उस टाइम ये प्लान निकला और अज्जू भाई उसको अपना फायदा बना गए, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो मेरे खिलाफ भड़काया गया। बाकी मैं इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया हूँ इस चीज़ को लेके कि कुछ करना है भाई अभी सबके लिए ताकि हमें भी इलेक्शन में वोट मिले। तो अब आपके ऊपर है, आप सही बंदे के पास जाओ क्योंकि जो बंदा अभी ऐसे ही कुछ कर रहा है, भड़का रहा है शुरू में ही, तो आपको पता ही आगे चल के भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी फिर उस चक्कर में। तो आपको देखना है, मैंने अपना पॉइंट पूरा क्लियर कर दिया है कि मैं क्या करना चाह रहा था। अज्जू भाई ने विलेजर मारे इसलिए मैं ले जा रहा था, इतनी देर में मेरे दिमाग में एक जॉब आई, मैं सोचा वही करते हैं फिलहाल। हाँ। चलो अभी मैं मेरा दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा है, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ अपने एसएमपी के लिए, अपने विलेज के लिए, ठीक है आप सब लोग के लिए। तो अब देखते हैं भाई कौन किसे वोट देता है, बट हाँ मेरा यही कहना है सही बंदे को ही वोट देना। चलो बाय। ओके तो गाइज यार देखो सच्ची बताना तो मैंने उज्जवल भाई को अपनी आंखों से देखा था जब वो विलेजर्स को लाइक नीचे ले जा रहे थे, और उससे पहले भी जब वो सारी चीज़ें सेटअप कर रहे थे तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि उज्जवल भाई सही बोल रहे हैं। और सबको पता है कि जो होने वाला इलेक्शन है दोस्तों, वो इलेक्शन जहाँ तक है उज्जवल भाई और अज्जू भाई के बीच में होगा, क्योंकि सिंस वो लोग थे जो पहले दिन आए थे एसएमपी के, तो मेरे को लग तो रहा है कि उन दोनों में से, क्योंकि सीधी सी बात है कोई और खड़ा होना नहीं चाहेगा, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता एसएमपी के बारे में अभी इस पॉइंट पे। ओके तो दोस्तों हमारा आर्मर हो चुका है रेडी, उज्जवल भाई से हमको एक बहुत खतरनाक चीज पता चली है, तो आज रात को ही इलेक्शन वाली स्ट्रीम है, तो मुझे लग रहा है कि मैं यार उज्जवल भाई को यहाँ पर वोट देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यार उनको अपनी आंखों से देखा था जब वो सारी चीजें सेटअप कर रहे थे और वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को अज्जू भाई की बातें भी सही लगी थी क्योंकि जब हमने देखा था तो सारे विलेजर्स जो नीचे थे और वो सीक्रेट पैसेज भी था, तो मेरे को थोड़ा सोचने के बाद अभी समझ में आया कि यार मेरे को लग रहा है उज्जवल भाई ठीक है यहाँ पर, तो मेरा वोट जो है वो उज्जवल भाई के साथ रहेगा आज रात को जो होने वाली है खतरनाक वाली इलेक्शन स्ट्रीम, तो उसमें तुम लोग गारंटीड से आना दोस्तों देखने के लिए कि कौन जीतेगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग एक बार फटाफट से अपना आर्मर जो हमने आज के दिन बनाया है, यार मेरे को पता है मजाक नहीं करूंगा, ये घर इतना ज्यादा बड़ा है ना, मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ क्या कर रहा हूँ, तो हम लोग अपने चेस्ट रूम में जाते हैं बिगले, और अब जो हम लोगों ने आर्मर बनाया हुआ है गाइस पहली बार हम लोग अपना आर्मर पहनने जा रहे हैं दोस्तों। गेट रेडी फॉर दिस यार, गेट रेडी फॉर दिस बॉयज, देयर वी गो, एकदम टॉप टू बॉटम। ये देख रहे हो हमारा आर्मर ऑलमोस्ट टूटने वाला था यार, एकदम करेक्ट टाइम पे बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गेमर फ्लिट्स फर्स्ट आर्मर इन हीरो ब्राइन एसएमपी, मतलब ऐसा कुछ पावरफुल नहीं है, फुल प्रॉट 4 वाला, फेदर फॉलिंग एक एक्स्ट्रा यहाँ पर है मेरे पास, और एक रेस्पिरेशन है, बाकी सब में अनब्रेकिंग 3 है। ओ इसमें अनब्रेकिंग 2 है, इसे मेरे को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी सब में हम लोगों के पास है, इसमें भी अनब्रेकिंग नहीं है, शूज़ में बूट्स में भी डालनी पड़ेगी, बट अभी के लिए एटलीस्ट हमारा जो क्या कहते हैं आर्मर डायमंड का वो रेडी है, और हम लोग किसी से भी पंगे ले सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फुल प्रॉट है, और बाकी थोड़ा थॉर्न्स वॉन्स के लिए मेरे को ग्राइंड और करना पड़ेगा, मैं लिटरली 5 से 6 घंटे ग्राइंड करा तब जाके ये वाला आर्मर मैं अभी बना पाया हूँ, ठीक है, और उसमें भी मैंने लगातार ग्राइंड करा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर से वीट ले जाके फटाफट से ट्रेड करके सबके घरों से ये सब उठा उठू के सब कुछ कर करके मैंने कैसे ना कैसे करके ये काम किया हुआ है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजेदार लगी। भाई हम लोगों ने लिटरली आर्मर बना लिया, हम लोग यार एक गलत चीज में फंस गए हैं जो कि वो चपाती भाई का घर जलाने वाला, और उसके ऊपर से भाई
हम लोगों को पता चला है कि उज्जवल भाई इज एक्चुअली इनोसेंट और अब हम लोग वोट करने वाले हैं बिल्कुल सही दोस्तों उज्जवल भाई के लिए। और ये इलेक्शन जो होने वाले हैं ना अगला, ये बहुत खतरनाक इलेक्शन होने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए रेडी हूँ। और जो मैं अगली स्ट्रीम करने वाला हूँ अपने चैनल पे, वो मैं गारंटीड वहाँ पर नेदरराइट लेके आऊँगा ताकि मैं और पावरफुल बन सकूँ। तो गाइस इस वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 30K के आसपास का, तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, 200K के बहुत क्लोज आ गए भाइयों, तो जिसने भी सब्सक्राइब किया कर दो, जो भी नया जल्दी से लाइक मार दो। और मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।